बच्चों राम मोहन, सोहन और हरि पार्टनर्स हैं। इनका ओल्ड रेशियो 4:3:1 है, इनको न्यू रेशियो मेंटेन करना है 1:2:3:4 में। गुडविल है इनके पास 1,80,000। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वर्कर्स के लिए कॉम्पेंसेशन क्लेम है इनका 150, पहले कितना था रिजर्व 120। बच्चों जब क्लेम ज्यादा होता है तो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट कहाँ लिखते हैं, सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है, पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है नए रेशियो में बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। एक्सेस अमाउंट हम करंट अकाउंट में डालेंगे। तो जल्दी से बच्चों ये क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। एक बार मैं वापस फिर से समझाता हूँ, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो देख लो। बच्चों एबीसी पार्टनर्स हैं, इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है सपोज 3 लाख, 4 लाख और 3 लाख। तीनों का ऐड किया हमने तो हमें मिल गया 10 लाख। अब पार्टनर्स ये कहते हैं कि इनका न्यू रेशियो रहेगा 5:3:2, और क्वेश्चन कहता है कि जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है उसको ये मेंटेन करना चाहते हैं न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो 5:3:2 है तो ए का हो जाएगा 10 लाख का 5/10, 5 लाख, बी का हो जाएगा 3 लाख, सी का हो जाएगा 2 लाख। ए की कैपिटल 3 लाख थी, बी को मेंटेन करनी है 5 लाख, तो बच्चों ये करंट अकाउंट से पैसा ला करके कैपिटल में डालेगा 2 लाख। बी की कैपिटल थी 4 लाख, मेंटेन करनी है 3 लाख, तो कैपिटल में बैलेंस ज्यादा है, ये कैपिटल से निकाल के करंट में डाल देगा। सी का कैपिटल थी 3 लाख, 2 लाख मेंटेन करनी है, क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख रुपए निकाल करके ये बच्चों, सॉरी यहां पर ये भी क्या करेगा, 1 लाख रुपए निकाल करके, 1 लाख रुपए विड्रॉ करेगा ये दोनों, और करंट अकाउंट में डाल देंगे। जल्दी से करेंगे, ये मैंने बता दिया है आपको प्रोसेस कैसे चलेगा। कैपिटल ज्यादा है तो निकाल करके फालतू पैसा करंट में डाल देंगे, और कैपिटल कम है तो करंट अकाउंट से ला करके कैपिटल में डालेंगे। ठीक, पहला काम क्या करते हैं, जब भी आप रेशो कैलकुलेट करने जाते हैं सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा बच्चों ओल्ड माइनस न्यू। जल्दी से बताओ, राम मोहन सोहन और हरि ओल्ड पार्टनर्स, रेशियो क्या है इनका, 4:3:2:1, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। न्यू रेशियो क्या है बच्चों, न्यू रेशियो 1, 2, 3, 4, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, उल्टा हो गया रेशियो। अब सेक्रीफाइस क्या निकला बच्चों, 3/10, 1/10, -1/10, -3/10। तो जो सेक्रीफाइस माइनस में आएगा वो होगा गेन, और जो पॉजिटिव आ रहे हैं सेक्रीफाइस ये हो गए सेक्रीफाइस। यही 2 स्टेप बताए थे, सबसे पहला स्टेप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालो, दूसरा स्टेप बच्चों क्या बताया गया था बताओ, सेकेंड स्टेप क्या बताया गया था, सेकेंड स्टेप बताया गया था कि हमेशा आपको क्या करना है, बोला करो भाई, गुडविल की एंट्री करनी है। गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सैक्रिफाइस। गेन कौन कर रहा है बच्चों, यहां पर सोहन और हरी, तो सोहन की कैपिटल डेबिट, हरी की कैपिटल डेबिट, बिल्कुल वही काम है, कैपिटल एडजस्टमेंट से घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट क्लास में बिल्कुल हमने यही किया था। सेक्रीफाइस कर रहे हैं राम और मोहन, राम कैपिटल क्रेडिट, मोहन कैपिटल क्रेडिट, सोहन में आ जाएगा बच्चों कितना, 1/10 ऑफ गुडविल। गुडविल है हमारे पास 180, 180 का 1/10 18,000। हरी का है 3/10, तो 1,50,000, 1,80,000 का 3/10 54,000। राम में भी आ जाएगा 1/3/10 54,000, और हरी मोहन का आ जाएगा 1/10 18,000। तो बच्चों देखो ध्यान से, वैल्यू पता चल गई कैसे आई है गुडविल की, गुडविल थी 1,80,000, सोहन का शेयर 1/10, हरी का शेयर 3/10, तो 18,000 और 15,000 आ गया। यहाँ पर 1,80,000 में से राम सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10, 54,000 की, ये क्या कर रहा है बच्चों 1/10 का सेक्रीफाइस, तो 18,000। जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको, इतना काम हो गया। इसके बाद बच्चे ही मेरे से कह रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, कि अगर वर्कर्स का क्लेम है आपके पास तो आपने क्या करना है बच्चों, सर उन्हें कंपन रिजर्व से दे देंगे, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व से। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व क्या सफिशियंट है,
नो सर, रिजर्व है 120 का, क्लेम है कितने का 150 का, तो बाकी का चलो एंट्री से समझ लेते हैं। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितने का है 1,20,000 का, और बच्चों क्लेम फॉर वर्कर्स कितने का है, क्लेम फॉर वर्कर कॉम्पेंसेशन है हमारे पास में 1,50,000 का, 30,000 ज्यादा। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ दिखाते हैं सर, डेबिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कितना आ जाएगा 30,000। ठीक, अब चलो इसको भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ने ये तो बोला नहीं था एंट्री बनानी, लेकिन वो तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बना डाली। अब क्या करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों जब आप बनाएंगे सर, हाँ जी सर, इसमें फिर सर फिर पार्टनर को डेबिट नहीं करेंगे टू रिवैल्यूएशन में? देखो मैं बताता हूँ, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, लॉस। अच्छा अभी तो ये पता चल रहा है लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो किधर दिखाते हैं, लॉस एसेट डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज, डेबिट में, क्रेडिट में क्या आता है एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज, ऐसे ही आता है। अच्छा आप जर्नल एंट्री की बात कर रहे हैं है ना? यस सर, यस सर। अच्छा आप करना चाहते तो कर सकते, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है, आप ठीक बोल रहे हैं। चलो यहां पर हमें लॉस हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में दिखा देंगे टू क्लेम फॉर वर्कर्स या वर्कर्स कॉम्पेंसेशन क्लेम। वर्कर का कॉम्पेंसेशन के लिए क्लेम है बच्चों 30,000, और तो कोई आइटम है नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा लॉस हो गया। और आप इसे किस रेशियो में डिवाइड करते थे, राम मोहन सोहन और हरी, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों, ओल्ड रेशियो है 4321। तो 3,000, 6,000, 9,000, 12,000, ये चारों में लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30,000। अब इसके बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, क्या बनाते थे वैसे इसके बाद, याद है? पता नहीं सर, हम तो भूल गए, बनाते क्या थे बच्चों बताओ तो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अब हम इसके बाद में। आओ बच्चों लेके चलते हैं आपको कैपिटल अकाउंट की तरफ। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर हैं चार, राम मोहन सोहन और हरी, राम मोहन सोहन और हरी, राम मोहन सोहन और हरी, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। बच्चों ये बताओ शुरुआत किससे करते थे कैपिटल अकाउंट की, और किधर है अमाउंट? सब बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी किधर, डेबिट में लिख दो क्रेडिट में, क्रेडिट क्रेडिट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट से शुरू होगा। कैपिटल कितनी, 4 लाख, 4,50,000, 2,50,000, 2 लाख। ठीक बच्चों, आप क्या करेंगे अब इसके बाद, और क्या पुट करना है बच्चों इसमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, यहां से लॉस आया था बच्चों, कहां जाएगा ये कैपिटल के, डेबिट में या क्रेडिट में? लॉस 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 डेबिट, डेबिट साइड में, क्योंकि कैपिटल को कम कर देगा और कैपिटल कम होती है तो डेबिट में। रिवैल्यूएशन का लॉस, लॉस था बच्चों हमारा 12,000, 9,000, 6,000, 3,000। ठीक है, अब और क्या काम करते हैं बच्चों इसके अंदर, और क्या काम करते हैं? आपने गुडविल की एंट्री बनाई थी, बोलो यस और नो। हाँ जी सर बनाई तो थी। डेबिट कौन कौन हो रहा है बच्चों बताओ, डेबिट कौन कौन हो रहा है? जनरल एंट्री ये रही ऊपर, कौन कौन डेबिट हो रहा है? सोहन डेबिट और हरी डेबिट। सोहन डेबिट और हरी डेबिट का मतलब है कि इनकी कैपिटल बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। तो हम यहाँ कैपिटल किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में 18,54,000। कहाँ से? राम और सॉरी बच्चों मैंने गलत लिख दिया, क्यों गलत लिख दिया पता चला? किसमें लिखना, सोहन और हरी के अकाउंट में, सोहन और हरी के अकाउंट में आएंगे ना पैसे, क्रेडिट डेबिट करना था 18 और 54।
सोहन और हरी के अकाउंट में डेबिट लिख दिया, ड्यू टू किस वजह से इंक्रीज हो डिक्रीज हो रहे हैं, ड्यू टू राम्स कैपिटल एंड ड्यू टू मोहन कैपिटल, राम एंड मोहन की कैपिटल की वजह से ये डेबिट हो रहे हैं। अब बच्चों समझ में आ गया इतना कि इन दोनों को हमने डेबिट साइड में लिख दिया, राम और मोहन क्रेडिट में है तो मतलब इनकी कैपिटल बढ़ रही है, तो यहां पर भी आप इसे क्रेडिट में लिख दो 54 और 18,000 किसकी वजह से, बाय सोहन एंड हरीज कैपिटल। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी हो तो बोलो। अब क्या करना है, अभी बैलेंस नहीं करेंगे, अब क्या करना है बच्चों, अब हमारा सारा काम हो चुका है इस क्वेश्चन में, सिर्फ हमारा काम रह गया पता है क्या, ये कैपिटल एडजस्टमेंट का काम रह गया। कैपिटल एडजस्टमेंट का काम क्या है बच्चों, क्वेश्चन में ये देखो क्या कह रहा है कि हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है पार्टनर्स की, पार्टनर्स की जो भी कैपिटल है उसको एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बच्चों बताओ पार्टनर्स की कैपिटल है कितनी जिसको आप नए रेशियो में डिवाइड करने जाओगे, कितनी कैपिटल नजर आ रही है हमें, पर कहां की बात कर रहे हो पता नहीं चल रहा। देखो एक कैपिटल तो ये है, ये तो ओल्ड हो गई, इस पर इसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे, हम रिवाइज्ड कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। बच्चों रिवाइज्ड कैपिटल कहीं नजर आ रही है आपको, सर कैपिटल अकाउंट में, ये रही कैपिटल अकाउंट में, तो यहां पर मुझे क्या करना है कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए, देखो बच्चों वर्किंग नोट करना है, ध्यान दो अब आ जाओ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में मुझे क्या चाहिए, एडजस्टेड कैपिटल चाहिए, किस किस की, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ राम मोहन सोहन और हरी, यहां पर लिख रहा हूं मैं राम मोहन सोहन और हरी, चारों की कैपिटल कौन बच्चा मुझे बताएगा। अच्छा एडजस्टेड कैपिटल निकलेगी कैसे, टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट। बच्चों राम का बताओ टोटल ऑफ क्रेडिट कितना है 4,54,000, डेबिट का टोटल कितना है 12,000, तो राम की एडजस्टेड कैपिटल कितनी हो गई, बोला करो बेटा 4,42,000। वेरी गुड, अब मुझे लगा मैं क्लास में हूँ, 450 + 18, 468,000 माइनस डेबिट में है 9,000, तो बच्चों कितना हो गया 4,59,000। तीसरा सोहन का क्रेडिट का टोटल सिर्फ एक ही फिगर है 250 और डेबिट में कितना है, यहाँ पर सोहन के डेबिट में 6 और 18, 24,000 कितना आ गया 2,26,000। अब हरी का आ जाओ, हरी का टोटल ऑफ क्रेडिट है 2,00,000, हरी के डेबिट का टोटल है 3 और 54, 57, तो हरी का बैलेंस कितना बचेगा 2,43,000। तो बच्चों चारों की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है बताओ, टोटल एडजस्टेड कैपिटल चारों को ऐड कर दो इनको, ठीक है कितनी बनी बच्चों 442 + 459 + 226 + 237 0000 13,70,000। ये क्या है, ये पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल है। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से वापस आ जाओ बच्चों, आपके क्वेश्चन में देखो क्या कहा, हमें पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है, पार्टनर्स की कैपिटल कितनी ये रही, एडजस्ट करना है कैसे एडजस्ट करना है बच्चों, न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो क्या है चारों का बताओ। अब सर हरी की 1,43,000, 1,23,4 राम मोहन सोहन, राम मोहन सोहन और हरी, तो अब ये आ जाएगा, हम इसे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों 13,70,000 डिवाइडेड बाय 4 3,42,500 इनटू 2 6,85,000 इनटू 3 10,20,000 ये तो गड़बड़ कर दिया 6,85,000 अच्छा ऊपर उल्टा था ना 1,2,3,4 है नया रेशो, ठीक है 13,70,000 डिवाइडेड बाय 10 ये आ गया 1,37,000 इंटू 2 2,74,000 1,37,000 इंटू 3
4,11,000, 5,48,000। बच्चों समझ में आ गया कैसे निकला ये? किसी को समझ में नहीं आया तो भाई मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो मेरा कराना बेकार है, आप मुझे बोल सकते हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है। पार्टनर्स की कैपिटल कितनी आ गई है? 254, 13,70,000 टोटल कैपिटल। एक मिनट, कुछ गड़बड़ लग रही है। 13, सर, हाँ जी सर, हरी की 1,43,000 होनी चाहिए। चेक करता हूँ अभी। 1,234 कैपिटल, वापस चेक कर लेते। 554 माइनस 12, 442, 4,68,000 माइनस 9, 459, 250 माइनस 24,000, 226, 2,00,000 माइनस 57, 243। ओहो ये गलत था बच्चों, यहाँ पे तो 143 आएगा, यहाँ पर 143 आएगा, 1,43,000। अब हम इसको डिवाइड ऐड कर रहे हैं सबको, 1,43,000 प्लस 2,26,000 प्लस 4,59,000 प्लस 4,42,000, ये आ गया 12,70,000। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे न्यू रेशो में 1,2,3,4 तो ये आएगा राम, मोहन, सोहन और हरी। 12,70,000 डिवाइडेड बाय 10, 1,27,000। दूसरे का आ जाएगा 2,54,000, तीसरे का आ जाएगा 3,81,000, फोर्थ का आ जाएगा 127 × 4, 5,08,000 रुपए। 127,000, 254,000, 381,000, 5,80,000, 5,08,000, ये हमारी रिवाइज कैपिटल है, ठीक है। अब ये बताओ बच्चों, यहां से आप मुझे देख करके ये बताइए कि यदि आप राम की बात करते हैं तो राम कैपिटल से पैसा निकालेगा या कैपिटल में लेके आएगा पैसा? 442 इसकी कैपिटल थी, मेंटेन करनी है 127, इन दोनों को कंपेयर करो। 442 थी, 127 मेंटेन करनी है तो कम मेंटेन करेगा, कम करेगा, कम करेगा, और कम करके कहां भेज देगा? करंट अकाउंट में। 3,15,000 इसकी कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस है, उठा के करंट अकाउंट में भेज देगा। क्रेडिट बैलेंस है ना, पहले से ज्यादा है। राम, मोहन, मोहन क्या करेगा बच्चों? 459 से 254 विड्रू करेगा। कितना? 2,05,000 रुपए, ये भी कैपिटल से निकाल के करंट अकाउंट में भेज देगा। सोहन का देखो, सोहन का 226 से 331, 226 माइनस 381, इसको तो लाना पड़ेगा, तो ये 154 लेकर के आएगा, ठीक है जी, लेकर के आएगा। तो ये इसकी कैपिटल में कम बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस है। और ऐसे ही देखो हरी का, हरी की कैपिटल पहले से 143 है, 5,08,000 मेंटेन करनी है, 5,08,000 मेंटेन करनी है, तो ये भी निकाल लेगा, ये भी क्या करेगा? लेकर के आएगा, मतलब इसकी कैपिटल का भी कम बैलेंस है, कम बैलेंस है मतलब डेबिट बैलेंस है, ठीक है जी। ये हो गई है बात यहाँ तक। एक तरीका तो ये है करने का बच्चों, एक तरीका तो ये 3,15,000, 2,05,000, 1,54,000 और 3,65,000, 154, हाँ जी ये 55 आएगा। जल्दी से करिए बच्चों इसको, इतना करो, ये 155 आएगा। एक तरीका तो ये है, और इसी को हम इतना, ये चीज जो हमने की ये हमें करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने क्रॉस चेक कराने के लिए दिखा दिया। यहां पर अब आपको क्या करना है बच्चों, एक बात बताओ, हमारी कैपिटल का ये बैलेंस हमें मेंटेन करना है फ्यूचर में, तो हम इसको क्या करें बच्चों? बैलेंस सीडी करके लिख दो, बैलेंस सीडी करके लिखेंगे, ये फ्यूचर कैपिटल रहेगी। ए की 127,000, ठीक है ना। बी की बच्चों, बी की फ्यूचर कैपिटल क्या रहेगी बताओ? बी की रहेगी 2,55,000 है, हाँ जी 2,54,000। सी की क्या रहेगी? 3,81,000। और
एबीसीडी नहीं है, राम मोहन, सोहन और हरी, हरी की क्या रहेगी 5,08,000। तो बच्चों ये इनकी फ्यूचर कैपिटल रहेंगी। अब ये बताओ राम में कौन सी साइड आपको बड़ी दिखाई दे रही है, डेबिट या क्रेडिट कैपिटल अकाउंट की? ऐसे बता दो देख के पता चल रहा है, क्रेडिट साइड बड़ी है 4,50,000 और डेबिट का टोटल कितना है 129,000। डेबिट का टोटल है 129, तो बच्चों 454 से माइनस कर देंगे 139, 315,000 आ गया बच्चों, 315,000। ठीक है, इधर हमारा बैलेंस आ गया राम में, ये साइड शॉर्ट पड़ रही है कितने बच्चों 315,000। बात समझे या नहीं समझे? इधर भी यही आ रहा था, क्रॉस चेक हो गया, बात क्लियर होगी बच्चों? टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट किया तो ये आ गया। इसे लिखेंगे क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी फालतू पैसा है वो करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, तो इसमें शॉर्टेज है, इसको क्या करेंगे राम्स करंट अकाउंट लिख दो, ये कहां चला जाएगा राम के करंट अकाउंट में। अब ऐसे ही मोहन की कौन सी साइड बड़ी नजर आ रही है बच्चों आपको, क्रेडिट साइड 4,68,000 से माइनस कर दो 2,63,000, 468 माइनस 263 तो ये बैलेंस आ गया बच्चों 2,05,000 रुपए। ये क्या है बच्चों 2,05,000 कहां से निकला पता चल गया, बैलेंसिंग फिगर 468 टोटल था, उसमें से मैंने ये दोनों माइनस कर दिए 90,254। इसे क्या लिखेंगे, ये मोहन का बचा हुआ पैसा है तो मोहन के करंट अकाउंट में चला जाएगा। अब ऐसे ही सोहन का देखो, सोहन की कौन सी साइड बड़ी नजर आ रही है बच्चों, क्रेडिट साइड 18 और 6 24 24, तो ये आ गया 24 + 381 4,05,000 रुपए 4,05,000। इधर का टोटल है हमारे पास 2,50,000, तो कितना बचेगा बच्चों 2,50,000 माइनस कर देंगे हमारे पास में बचेगा 1,55,000 1,55,000। ये कैसे आया बैलेंसिंग फिगर, बोलेंगे क्या इसको, कहां भेजेंगे सोहन के करंट अकाउंट में। ऐसे ही लास्ट वाले का देखो, लास्ट वाले में 5,08,000 है, ये वाली साइड क्रेडिट साइड बड़ी है तो 5,08,000 माइनस कर देंगे, प्लस करेंगे 57, इधर का टोटल 5,65,000 से माइनस कर दो 2,00,000 तो कितना बच गया बच्चों 3,65,000। जल्दी से कर लो, इसको लिख देंगे हरी इज करंट अकाउंट, ये हरी का करंट अकाउंट में भेज दिया। जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो बाकी सब तो ठीक है, आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी कि ये जो कैपिटल करंट अकाउंट है ये आपने कहां दिखाने हैं, एसेट में दिखाने हैं या लायबिलिटी में दिखाने हैं, कुछ समझे बच्चों आपके हिसाब से कहां जाने चाहिए ये वाले करंट अकाउंट का बैलेंसेस और ये वाले करंट अकाउंट का बैलेंसेस बैलेंस शीट में कहां जाना चाहिए। देखो राम में जब आप डेबिट में लिख रहे हो तो किस कारण से डेबिट में लिख रहे हो ये बताओ, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी तो हम क्या कहेंगे कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस फालतू था जो उठा के हमने कहां भेज दिया करंट अकाउंट में, तो इसको क्या बोला जा रहा है, ये है क्रेडिट बैलेंस, बात समझ गए। और सोहन और हरी के क्रेडिट साइड में आपने लिखा है बच्चों, क्यों लिखा है, क्यों भाई राजस, क्यों लिखा है, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। अब डेबिट साइड बड़ी है तो इसका मतलब कि आपने डेबिट का फालतू कैपिटल उठा के कहां डाल दिया करंट अकाउंट में, जब कैपिटल का डेबिट बैलेंस करंट में गया तो वो करंट अकाउंट में भी जाकर के क्या बन गया, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस बन गया, बोलो बन गया या नहीं बन गया। और बच्चों क्रेडिट बैलेंस जब बैलेंस शीट बनाते हो तो कहां दिखाते हैं क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस शीट में दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में, और डेबिट बैलेंस कहां दिखाते हैं एसेट साइड में। देखो बच्चों ये तो थी समझाने वाली बात, ठीक है, लेकिन इतना कौन सोचेगा वहां पर एग्जाम में। तो एग्जाम में आप ये देखो, ये बैलेंस सीडी किधर लिख रहे हो बच्चों, बैलेंस शीट में जो बैलेंस सीडी है कहां लिखते हैं, कैपिटल कहां लिखते हैं, एसेट या लायबिलिटी,
लाइबिलिटी तो ये भी इसी के साथ वाले आइटम है, तो इसके पीछे पीछे ये भी चले जाएंगे, मतलब ये दोनों भी करंट अकाउंट कहाँ जाएंगे, लाइबिलिटी में, ठीक है। और ये हो गए ऑपोजिट साइड के आइटम, तो ये किधर जाएंगे, एसेट साइड में, ऐसा सही है। yes, चलो बच्चों अब आ जाओ बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट रही, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, चलो हम बना ही लेते हैं। ओके आओ बच्चों, बैलेंस शीट बना रहे हैं आप एडजस्टेड, एसेट्स लाइबिलिटीज अमाउंट इन रुपीज। देखो पुरानी बैलेंस शीट की पूरी पूरी हेल्प लेंगे हम लोग। यहां पर हमारे पास फिक्स एसेट 9 लाख, करंट एसेट 5,20,000। तो फिक्स एसेट लिख दो 9 लाख और करंट एसेट लिख दो बच्चों कितने हैं हमारे पास, करंट एसेट है 5,20,000। और अभी आपने देखा था कि दो पार्टनर्स का निगेटिव बैलेंस आ रहा था, ठीक है, डेबिट बैलेंस आ रहा था, किस किस का था देखो बच्चों, ये 155 और 365, 1655 और 3,65,000, ये जो क्रेडिट साइड में थे ये सीधे सीधे आ जाएंगे, किसके हैं, सोहन का करंट अकाउंट है और हरी का करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट जो क्रिएट किया है वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। इसी तरह से बच्चों जब आप दूसरी साइड के आइटम दिखाएंगे तो हमारे पास कैपिटल दिखानी है। सबसे पहले तो कैपिटल किस किस की दिखाएंगे, राम, मोहन, सोहन और हरी। कैपिटल कितनी आई थी, 1,27,000, 2,54,000। बच्चों पता है कहां से फिगर्स उठा रहा हूं मैं, नहीं समझ में आ रहा बोलो मुझे। ये जो बैलेंस सीडी है ये है कैपिटल, यहां पर सारी 3,80,000 और 5,65,000, टोटल बन गया था 12,70,000 रुपए। और अब यहां पर 3,15 ये वाली वैल्यू, ये करंट अकाउंट भी मैंने कहा था लायबिलिटी में जाएंगे, 3,15,25। सर मुझे ये समझ नहीं आया सोहन और हरी का क्रेडिट में क्यों गया और राम और मोहन का डेबिट में क्यों गया। अभी मैं बता देता हूँ वापस, राम कैप करंट अकाउंट और मोहन करंट अकाउंट। बच्चे क्वेश्चन में ये बोला था कि कैपिटल जिस जो भी हमें एडजस्ट करनी है वो करंट अकाउंट से करनी है, ये बात समझ गए। अब ये बताओ जब हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ये पता है हमें कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी होती है और डेबिट बैलेंस एसेट होता है, ये पता है हमें। yes, sir. अगर ये पता है तो 90% काम बन गया। अब देखो मैंने इधर राम में लिखा डेबिट साइड में, कारण क्या है, क्यों लिखा डेबिट साइड में भाई, क्योंकि राम की कैपिटल में क्रेडिट साइड बड़ी है, यही तो है कारण। क्रेडिट साइड बड़े होने पर बैलेंसिंग फिगर मैंने डेबिट में लिखी है ना, बराबर करने के लिए। और जब मैंने इसको डेबिट में लिखा तो इसका मतलब मैंने फालतू जो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो कहां भेज दिया, करंट अकाउंट में। और जब कैपिटल अकाउंट के करंट अकाउंट को भेजा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को भेजा करंट अकाउंट में, तो करंट अकाउंट में भी वो जाकर के क्या बनेगा, क्रेडिट बैलेंस ही बनेगा। बात ठीक, बात समझ आ रही है, ठीक है ना। यहां पर भी मोहन की देखो क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड कम है, तो हम क्या कहेंगे कि मोहन की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, फालतू क्रेडिट बैलेंस है, उसे कहां भेज रहे हैं, करंट अकाउंट में, तो करंट अकाउंट में भी जा करके क्या बन गया, क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस क्या आते हैं, लायबिलिटी। ये तो हो गई एक तरीका जो कि समझ में आना चाहिए बच्चों को। दूसरा तरीका बच्चे वहां पर क्या करना है, आपने बैलेंस शीट तो पता है, बैलेंस शीट ही कहां जाता है, लायबिलिटी में, तो उसके साइड के करंट अकाउंट भी कहां जाएंगे, लायबिलिटी में। ऐसे दो तरीके से समझ सकते हैं। अब आ जाओ बच्चों आगे, और क्या था बच्चों क्वेश्चन में, क्वेश्चन में और था वर्कर्स कॉम्पेंसेशन क्लेम कितने का क्रिएट हो गया था, 1,50,000। बस टोटल करो जरा, चेक करके बताओ इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा।
जल्दी करिए कंप्लीट बच्चों। टोटल कर लेंगे, इधर का टोटल आ रहा है बच्चों 19,40,000 और इधर का भी टोटल आ रहा है 19,40,000 19,40,000। जल्दी करिए कंप्लीट इसको। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 शुरू करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग होता है ओल्ड माइनस न्यू। हमारे पास पार्टनर्स हैं सुरेश रमेश महेश गणेश। सुरेश रमेश महेश गणेश ओल्ड रेशियो 2:3:3 2:10 2:10 3:10 3:10 न्यू रेशियो इक्वल 1:4 1:4 1:4 1:4। तो बच्चों सेक्रीफाइस आएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में 20 4 - 5 - 1/20 गेन कर रहे हैं। दूसरे का आएगा 20 के लिए 4 - 5 यहां पर भी -1/20 ये भी गेन कर रहे हैं। यहां पर आएगा बच्चों 3:10 - 1/4 तो 6 - 5 1/20 ये भी आ गया 1/20। ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं ठीक है बच्चों। अब गुडविल कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में। गुडविल है क्या? गुडविल तो है ही नहीं। सर 90,000 ठीक है 90,000 है गुडविल के लिए। जर्नल एंट्री बना दो बच्चों। दो काम तो आपको पता ही है। गेनिंग पार्टनर कौन है? सुरेश और रमेश। कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू सैक्रीफाइस गेनिंग टू सैक्रीफाइस। सैक्रीफाइस है यहां पर महेश और गणेश। कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। गुडविल है 90,000 का 1/20 कितना आ रहा बच्चों 4500। सर 2250 20 से डिवाइड करें। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4500 आएगा। अच्छा 1/20 नहीं 4500 है। हाँ जी 45 ही आएगा। 45 ही तो आएगा बेटा 2 से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं 4500 ठीक है। अब हमारा ये भी हो गया गुडविल की एंट्री हो गई। अब इसके बाद वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व पर नजर डालते हैं। कितना है बच्चों वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व? अभी है 75 और क्लेम हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वर्कर्स कॉम्पेंसेशन क्लेम। वर्कर का कॉम्पेंसेशन क्लेम आगे क्वेश्चन में वर्कर्स का कॉम्पेंसेशन क्लेम बता रहा है 1,00,000 रुपए है। तो ये हो गया 1,00,000 तो 25,000 का हो गया लॉस जिसको हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो गलत है। सर 2:10 - 1/4 - 2:40 होना चाहिए। 2:40 बेटा यही तो बनेगा। 2:40 को आगे रिड्यूस कर दो ठीक है। ओके सर गॉट इट। एक ही बात है रिवैल्यूएशन में आ जाएगा 25,000। अब इसके बाद बच्चों हम बनाएंगे अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपसे आगे आगे तो मैं बना दूंगा। नहीं मैं रुकता हूं। एसेट डिक्रीज होता है लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लॉस है डेबिट में आएगा। एसेट इंक्रीज होगा या लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो इनकम है क्रेडिट में आएगी। तो यहां पर बच्चों वर्कर्स कॉम्पेंसेशन का क्लेम है। वर्कर्स का कॉम्पेंसेशन क्लेम 25,000 लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी और क्वेश्चन में आगे देख रहे हैं तो हमारा फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है 10%।
एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो जब फिक्स एसेट कम होगा तो डेबिट में आ जाएगा। फिक्स एसेट पहले से गिवन है बच्चों हमें 66 लाख का, तो 6 लाख का 10% हो गया बच्चों 60,000, तो टोटल हमारे को लॉस हो गया 85,000 का, जिसे हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे सुरेश रमेश महेश गणेश में, ओल्ड रेशियो 2:2, 4:4, 2:3:3, 3:3, तो बच्चों ये आएगा 17,000, 17,000, 17,825,500, ये आ गया है लॉस जिसका हमने डिवीजन कर लिया। जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कंप्लीट करो बच्चों इसको, और जिनका ये हो गया वो कैपिटल अकाउंट, आइए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं आगे। कैपिटल अकाउंट बनेंगे बच्चों हमारे पास चार चार पार्टनर्स के, सुरेश रमेश महेश गणेश, कैपिटल का बैलेंस जो भी दिया जाता है वो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में 1,150,000, 2,50,000, 1,150,000, 2,50,000। इसके बाद में हमने बनाया था बच्चों रिवैल्यूएशन में लॉस आया था 17,17,25, लॉस आ जाएगा डेबिट साइड में 17,000, 17,000, 25,500, 25,500, ये आ गया। और गुडविल के लिए आपने एंट्री की थी बच्चों सुरेश और रमेश, डेबिट हो जाएंगे 45,000, 45,000, ठीक है ना, सुरेश और रमेश डेबिट हो जाएंगे 45,000, 45,000 टू महेश एंड गणेश कैपिटल। महेश और गणेश की कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट हो जाएगी, ये आ जाएगा टू सुरेश एंड रमेश कैपिटल। इसके अलावा और कुछ नहीं है, गुडविल की एंट्री हमने कर दी, रिवैल्यूएशन लिख दिया, अब रह गया बच्चों सिर्फ क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट। और कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में क्या करोगे, एडजस्टेड कैपिटल फाइंड करो सुरेश रमेश महेश गणेश का, टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट, एडजस्टेड कैपिटल निकालो। जब एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी चारों की, सबका सम करना, वो आपकी टोटल एडजस्टेड कैपिटल होगी, जिसको हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में न्यू रेशो में, जल्दी करो बच्चों इतना काम। अब देखिए बच्चों, बताया था कि टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट करेंगे तो आपको एडजस्टेड कैपिटल मिलेगी। सुरेश की कैपिटल क्रेडिट का 1 लाख, डेबिट का टोटल 21,500 बैलेंस बचा ये। ऐसे ही रमेश का टोटल ऑफ क्रेडिट 150, डेबिट का टोटल 21,500, माइनस कर देंगे तो 128,500 बचा। महेश का टोटल ऑफ क्रेडिट है 2,04,500, डेबिट का टोटल 25,500, माइनस कर देंगे तो बैलेंस बचा 179। गणेश का टोटल ऑफ क्रेडिट 1,254,500, डेबिट का टोटल 25,500, माइनस कर देंगे तो बैलेंस बचा 229। इन सबको अब आप ऐड कर लो तो चारों की कैपिटल आ गई 6,15,000। और क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि हमें कैपिटल मेंटेन करनी है इक्वली, तो इसे हम इक्वली डिवाइड कर देंगे 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो डिवाइडेड बाय 4 करने पर बच्चों अमाउंट आ गया हमारा 1,53,750, चारों का यही रहेगा। जल्दी जल्दी कर दो अब,
इसके बाद क्या करेंगे, जो कैपिटल हमारी नई निकली है इसको बैलेंस सीडी करके लिख दो, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है सुरेश का 153,750 प्लस 2,100 175,250 पे माइनस कर देंगे 1,00,000, तो बच्चों कितना एक्सेस है 75,250। अब ये बताओ ये कैश लाना है या विड्रॉ करेगा पार्टनर, इधर लिखने का मतलब क्या है, ऐसी कोई चीज है जो कैश कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ है, बात समझ गए बच्चों, कैपिटल ज्यादा रखनी है कम तो लाना पड़ेगा कैश। ऐसे ही रमेश का टोटल 153,750 प्लस 21,500, क्रेडिट का टोटल 175,250 माइनस कर देंगे 150, तो बैलेंस बच गया 25,250, ये भी कैश लेकर के आएगा। मोहन की क्रेडिट साइड बढ़ी है 2,04,500, इसका 2,54,500, अब मोहन में डेबिट साइड में शॉर्टेज आ रही है, मोहन की डेबिट साइड में शॉर्टेज आ रही है माइनस 1,53,750 और माइनस कर देंगे 25,500, 25,250 रुपए, ये इधर आ जाएगा कैश बैलेंसिंग फिगर, और ये क्या हो जाएगा विड्रॉ हो रहा है, कैश कम हो रहा है। ऐसे ही 2,54,750 टोटल ऑफ क्रेडिट है, उसमें से माइनस कर देंगे डेबिट साइड का 25,500 और माइनस कर देंगे 1,53,750, तो इधर आ गया 75,550। अब ये बताओ बच्चों, इधर ये कैश आने का मतलब क्या है, कैश इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पार्टनर कैपिटल ला रहे हैं, और डेबिट में कैश लिखने का मतलब क्या है कि पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये कैश से कम हो जाएगा। तो बच्चों जब बैलेंस शीट बनाओगे तो ये वाला तो कैश में ऐड करना पड़ेगा क्रेडिट वाला, और डेबिट वाला माइनस करना पड़ेगा बैलेंस शीट से, तो फाइनली कैश कितना आ जाएगा, पुराना कैश कितना है हमारे पास करंट एसेट्स में कितना है 345,000 कैश है बच्चों। तो 3,45,000 पुराना कैश है, ला रहे हैं पार्टनर 75,250 और ला रहा है दूसरा पार्टनर 25,250, विड्रॉ कर रहे हैं 25,250 और विड्रॉ कर रहे हैं 75,250, तो फाइनली कैश कितना रह जाएगा 3,45,000 ही रह जाएगा। जल्दी करिए, तो जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों, तो जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो न्यू बैलेंस शीट में हाँ जी बच्चों, तो न्यू बैलेंस शीट में फिक्स एसेट सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, करंट एसेट आपका सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, फिक्स एसेट में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा बच्चों? आएगा सर। क्या चेंज आएगा? रिवैल्यूएशन में 10% कम हो गया था, तो क्या करेंगे 6,000 कम करके लिख देंगे, कितना लिख देंगे 5,60,000। करंट एसेट सेम रहेगा, वर्कर्स का रिजर्व की जगह क्या लिख देंगे, क्लेम हो गया है, कितने का क्लेम था बच्चों? सर 5,40,000 लिखेंगे ना? यस सर। अच्छा 60,000 का रिड्यूस हुआ था, हाँ जी 5,40,000। और क्लेम कितने का था बच्चों हमारे पास में? 1,00,000।
क्लेम था 1 लाख का, तो बैलेंस शीट में क्लेम लिख देंगे 1 लाख का। क्रेडिटर सेम रहेगा, कैपिटल कितनी आ जाएगी बच्चों? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था आपके पास में कितना था? 153,750 चारों का, 153,750 चारों की कैपिटल लिख देंगे, 153,750 ये चारों की कैपिटल आ जाएगी। और टोटल कितना बन रहा था इसका? टोटल बन रहा था 6,15,000 ये आ गया 6,15,000। अब जरा टोटल करो 615, 715, 815, 8,85,000। इधर का टोटल 6 लाख तो आएगा नहीं, ये भी हो गया 8,85,000। न्यू बैलेंस शीट बच्चों ये बनाओ, यहां पर लिख देना रिकंस्टिट्यूटेड। न्यू बैलेंस शीट ये बन गई है आपकी। नई बैलेंस शीट ये वाली बनाएंगे आप, चेंजेस करके लिख दीजिए।